अफ्रीका इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिसार से बड़ी जानकारी, सिक्किम हादसे में जवान सोमवीर शहीद हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, हिसार के संदोल गांव का रहने वाला था सोमवीर, सिक्किम में सेना के वाहन हादसे में वे शहीद हुए। सोमवीर की शहादत से परिवार में मातम छाया हुआ है। 55 दिनों छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे थे शहीद सोमवीर, सेना के वाहन की खाई में गिरने से यह हादसा हुआ था। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, 55 दिनों छुट्टी बिताकर सोमवीर काम पर लौटे थे और ऐसे में सेना के वाहन की खाई में गिरने से बड़ा हादसा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की हिसार से बड़ी खबर, सिक्किम हादसे में जवान सोमवीर शहीद हुए थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हिसार के संदोल गांव का रहने वाला था सोमवीर, हिसार के संदोल गांव के रहने वाले थे सोमवीर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, सिक्किम में सेना के वाहन हादसे में सोमवीर शहीद हुए थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हिसार से बता रहे, सेना के वाहन के खाई में गिरने से ये हादसा हुआ था और सिक्किम हादसे में जवान सोमवीर शहीद हुए थे। मुझे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कब सोमवीर का पार्थिव देह जो है गांव पर पहुंचेगा? जी बिल्कुल, सिक्किम हादसे की बात करें, सिक्किम हादसे के अंदर इस जिले के गांव संदोल का एक जवान शहीद हो गया, जिसकी सूचना आज परिवार वालों को सरपंच के मैदान में सुबह मिली, जिसके बाद पूरे गांव के अंदर मातम का माहौल छाया हुआ है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यदि देह शरीर की बात करें तो देर रात तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक परिवार वालों को अभी कुछ देर पहले सूचना मिली, जिसके बाद परिवार वाले वहां जाएंगे, जिसके बाद ही वहां से जो पूरी प्रक्रिया है उसके बाद देर रात तक यहाँ पर शव की आने की उम्मीद है और कल सुबह यहाँ पर शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, सोमवीर के निधन की खबर सुनते ही गांव में कैसी तस्वीरें फिलहाल है? बिल्कुल, यदि सोमवीर के शहीद होने की खबर मिलते ही आज पूरे गांव के अंदर मातम का माहौल छाया हुआ है और पूरे गांव की बात करें तो अभी तक किसी के घर में भी अभी चूल्हा नहीं जला। और सोमवीर के परिवार की बात करें तो सोमवीर के परिवार में यहां पर दो भाई है, दोनों भाई ही सेना में नौकरी कर रहे हैं, जबकि छोटा भाई अभी भी सेना के जवान के अंदर कार्य कर रहा है और बड़ा भाई आज 24 घंटे पहले शहीद हो गया। जिसके बाद सोमवीर के परिवार की बात करें जिसके अंदर 1 से 3 साल की बेटी है और 1 साल का बेटा है और पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है। जी ठीक है अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।